कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं माया सांगला, सहायक आचार्य, फिर से आज आपके लिए लेकर आई हूँ अधिगम एवं शिक्षण विषय। अधिगम जो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर आज नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कारक अर्थात सहायक कौन है, जो कौन कौन से ऐसे कारक है जो अधिगम की क्रिया को बढ़ा देते हैं। हमारे विद्यार्थी कुछ क्रिया होती है जो क्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, कुछ होती है उसको घटाने में मदद करते हैं, तो बढ़ाने वाले कारकों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें पहला सबसे प्रमुख कारक आता है वातावरण अर्थात एनवायरनमेंट। अधिगम और एनवायरनमेंट वातावरण का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। बच्चे का जो वातावरण होता है, चाहे वो घर का हो, परिवार हो, समुदाय हो, कक्षा हो, विद्यालय हो, जहाँ का भी उसको वातावरण अगर स्नेहपूर्ण रुचिपूर्ण मिलता है, तो उसका जो अधिगम की क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। वहीं अगर विद्यालय का वातावरण या समुदाय का उसको उसके अनुसार नहीं मिलता है, उसके रुचिपूर्ण नहीं मिलता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो अधिगम की जो क्रिया होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। कक्षा का वातावरण भी देखा जाए तो अगर वो शोरगुल से दूर होता है, शांत होता है और उसके रुचि के अनुसार कोई विषय पढ़ाया जा रहा होता है, तो वो जो अधिगम की जो क्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है और बच्चा बहुत जल्दी कुछ सीख जाता है और उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता अर्थात मैच्योरेशन। हर व्यक्ति के कुछ सीखने की एक लगभग करीब करीब एक उम्र होती है कि वो चीज उस उम्र में ही सीख सकता है। उम्र हमारे किसी भी चीज को सीखने में बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो केवल फर्स्ट या सेकंड क्लास का जो 5 साल का बच्चा होता है, छोटी क्लास को ही सीख सकता है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो 5 क्लास या 6 क्लास 7 क्लास के सम्स को सॉल्व कर दे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको वो सीखने की उम्र नहीं है। छोटे बच्चे वो खेल के द्वारा ज्यादा अच्छे तरह से सीख पाते हैं, इसलिए उनको वो विधि अपनाई जाती है। वहीं बड़े बच्चे जो होते हैं, उनको अगर व्याख्यान द्वारा सिखा देते हैं, बाहर ले जाकर सिखा देते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे वहाँ उस तरीके से वो ज्यादा सीख पाता है। छोटे बच्चों को हम लोग अगर साइकिल सिखाते हैं तो वो अच्छे से सीख पाता है, लेकिन वहीं हम चाहते हैं कि वो छोटा बच्चा होता है वो स्कूटी या मोटरसाइकिल या कार चलाना सीखे, तो वो उसके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो उसकी उम्र नहीं है सीखने की। तो जो उम्र होती है वो बहुत अधिक प्रभावित करती है सीखने की क्रिया में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन। मोटिवेशन का तो सबसे अधिक योगदान होता है सीखने की क्रिया में। विद्यालय में जो शिक्षक होता है वो उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है कि अगर मोटिवेशन अगर वो करो बच्चे को करे, तो बच्चा है जो सीखने के लिए तत्पर नहीं भी रहता है, उसमें रुचि भी नहीं भी रहती है, तो भी वो उस क्रिया को बहुत अच्छे प्रकार से उस चीज को सीख सकता है। एक स्टीवंस महोदय है, उन्होंने कहा भी है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन है उनमें से जो अभिप्रेरणा है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग करके वो विद्यार्थी के अधिगम की क्रिया को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। इसी कारण अगर जो शिक्षक होता है विद्यालय में वो निंदा, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड ऐसी व्यवस्था करके रखता है ताकि जो क्रियाएं बढ़े, में जो शिक्षक होता है वो बच्चों के लिए पुरस्कार, निंदा, दंड इन सब की व्यवस्था करता है, ताकि जो शिक्षक को अगर कोई चीज सिखानी है तो उसको बार बार अभ्यास करवाना है, तो वो उसके लिए उसकी प्रशंसा करता है, उसके लिए उसके पुरस्कृत करता है या उसके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। और अगर वही चीज अगर कोई वर्जित कोई काम है, अगर कोई बच्चा को नहीं करवाना है जो काम को, उसके लिए उसको दंड देता है ताकि वो क्रिया है जो अधिगम है वो वहाँ से बच्चे का रुक जाए, उस क्रिया को नहीं करे। इसलिए जो अभिप्रेरणा बहुत अधिक योगदान देती है अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीखने का समय। सीखने का समय भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा सीखने का समय जो होता है बच्चों के लिए वो सबसे अच्छा होता है सुबह का समय, प्रातःकाल का समय। प्रातःकाल के टाइम क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पूरी रात भर की नींद लेकर एकदम फ्रेश माइंड रहता है उनका। उस टाइम वो कुछ भी अगर सीखते हैं, कुछ उनको सिखाया जाता है, तो उस चीज को वो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर की क्रियाकलाप कुछ हो ही नहीं रहती, दिमाग एकदम से फ्रेश रहता है, जो कुछ भी वो सीखता है वो उसके दिमाग में तुरंत जाती रहती है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दिन के दोपहर शाम रात होती है, वैसे वैसे उसकी जो पढ़ने की जो अधिगम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, थकान आ जाती है, दिन भर की क्रियाकलाप है वो भी दिमाग पे इफेक्ट डालती है। इस कारण जो होता है सीखने का जो समय है वो भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि जब हमारा शरीर जो होता है पूरी तरह से अगर स्वस्थ रहता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिया सीखने के लिए जो रहती है वो अगर पूरी तरह से स्वस्थ रहती है, तो हम किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं और वो बहुत जल्दी सीखी भी जाती है, हमारे मस्तिष्क में वो चीजें जल्दी चली जाती है। जैसे कि एक कहावत भी है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बीमार नहीं होंगे, थके हुए नहीं रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, एकदम से टेंशन नहीं रहेगी हमारे, तो अगर हम कुछ भी चीज सीखेंगे तो वो हमारे बहुत जल्दी हमारे दिमाग में
चली जाती है और वो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी बच्चा जो होता है एक ही प्रकार की चीज सीखते सीखते वो हमेशा बोर सा हो जाता है और उस चीज को सीखने में वो उतना रुचिपूर्ण नहीं होता है। अगर उनके बीच बीच में कक्षा के बीच बीच में अगर उनके साथ पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे होती है खेलकूद होता है प्रतियोगिताएं होती है निबंध प्रतियोगिता हो रही कोई उनसे कोई लेक्चर ले लिया गया उनसे कोई भाषण दिलवाया गया और कोई अंताक्षरी वगैरह करवाई गई अगर वो सब क्रियाएं साथ साथ में पढ़ाई के साथ चलती रहती है तो अधिगम की क्रियाएं होती है वो तीव्र गति से होती है क्योंकि बच्चा जो होता है वो उन चीजों में अपने आप को डालता रहता है और उसमें अपनी रुचि लेता रहता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि अधिगम को बहुत अधिक